आदित्य श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ है। आदित्य, आपके पास आऊंगी। जैसे कि हम मैं और राजेश अभी बात कर रहे थे कि होली का दिन है, किसी के चेहरे रंग से खिले हुए हैं और किसी के रंग उड़े हुए हैं, और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं आप कि किसी के चेहरे पे अलग रंग है और किसी के चेहरों के रंग बदले हुए हैं और किसी के चेहरों के रंग उड़े हुए हैं। दरअसल ये इसलिए भी कल अचानक से डेवलपमेंट जो पूरा हुआ है कल से और आज सुबह, जिस तरीके से पूरा गेम ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्टेप के बाद बदला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय भोपाल में मौजूद हूँ, दीनदयाल परिसर में, और पीछे विधायक दल की बैठक जो है वो अंदर शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं, शिवराज सिंह यहां पर हैं, सांसद, तमाम जितने भी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में वो भी यहां पर मौजूद हैं। दरअसल चर्चा राज्यसभा को लेकर होनी है, ये बात लगातार ऑफिशियली कही जा रही थी, लेकिन पहले खबरें ये भी मिल रही थी कि चूंकि हो सकता है कि ये विधायक दल अपना नेता भी चुन ले और शायद शिवराज सिंह को विधायक दल नेता चुने, लेकिन इस बैठक में जाने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने जो हमसे बात की है वो उन्होंने साफ कहा है कि विधायक दल का नेता फिलहाल गोपाल भार्गवी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं अभी वही रहेंगे और उस पर अभी कोई चर्चा नहीं होगी। आज सिर्फ और सिर्फ चर्चा होगी तो वो राज्यसभा को लेकर होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से हमारी बात हुई, प्रहलाद पटेल का साफ तौर पर कहना है कि चीजें जो कुछ है अब आपके सामने है और कांग्रेस में जिस तरह की चीजें रही हैं उसका असर आपको दिख चुका है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह पूरा कदम है। उनसे यह भी पूछा गया कि आप किस तरीके से देखते हैं, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा, तो उन्होंने कहा कि पहले आने तो दीजिए। स्वाभाविक सी बात है, अभी ऑफिशियल तौर पर उन्होंने सदस्यता ग्रहण नहीं की है भारतीय जनता पार्टी की, ये एक मुद्दा है। लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो एक मुद्दा और निकल कर आ रहा है कि हो सकता है यहां से एक नाम, जो पहला नाम अगर किसी का जाएगा राज्यसभा को लेकर, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम यहां से भी हो सकता है। और इस विधायक दल की बैठक में पहला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का रिकमेंडेशन जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जा सकता है इस विधायक दल की बैठक के बाद, यह भी तय हो सकता है। तो रणनीति अब किस तरीके से, राज्यसभा चुनाव को भी लेकर अगर बात करें तो कैसे अब भाजपा की रणनीति इसकी तरफ होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और इस पूरी विधायक दल की बैठक में इस रणनीति पर भी विचार होगा, मंथन होगा कि कैसे एक सीट तो आपकी आ ही रही है, दूसरी सीट पर किस तरीके से अपनी दावा मजबूत करना है। ऐसे में अगर दूसरे खेमे की अगर बात करें, कांग्रेस की अगर बात करें, तो उसकी उसको भी हम अभी ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने हार मान ली है, कांग्रेस ने अभी भी हार नहीं मानी है, कांग्रेस अभी भी अपने सारे जितने भी उसके पास रास्ते हैं उस रास्तों को अपनाने की कोशिश कर रही है। और ये पिछले 4-5 दिन से देखा भी जा रहा है कि जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार बदल रहा है, वो घटनाक्रम में कांग्रेस हमेशा स्टेप बाय स्टेप अपने प्लान बी भी लेकर चलती थी, लेकिन इस प्लान बी में दिक्कत ये हुई है कि ये प्लान बी काफी बड़ा पड़ गया है। ये जो पत्ता बीजेपी ने, ये जो पत्ता आज जो फेंका है कांग्रेस के सामने, ये दरअसल महंगा पड़ गया। 22 विधायक टोटल जो है उनका इस्तीफा अब तक हो चुका है, भूपेंद्र सिंह उनका इस्तीफा हार्ड कॉपी में लेकर आ चुके हैं। अब एक और चीज निकलकर सामने आती है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष इनके इस्तीफे को फिलहाल उस हार्ड कॉपी को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, वो ये भी कह सकते हैं कि जब तक ये सारे विधायक मेरे सामने स्पष्ट तौर पर खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इनसे बातचीत नहीं कर लूंगा, तब तक मैं इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा। क्योंकि हरदीप सिंह डंग के समय पर यही हुआ था, उन्होंने साफ कहा था कि इस्तीफे की खबरें तो मुझे मिल रही है लेकिन जब तक वो मेरे सामने नहीं आएंगे तब तक मैं उसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगा। तो अगर विधानसभा अध्यक्ष ये कहते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी को उन तमाम विधायकों जो है वो यहां आएंगे और उसके बाद उनकी परेड विधानसभा अध्यक्ष के सामने लगेगी। तो अभी कई सारे कयास हैं, कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारी चीजें हैं जिस पर अभी पर्दा उठना बाकी है। लेकिन अगर कांग्रेस खेमे की बात करें तो आज रंग जरूर उड़ा हुआ है कांग्रेस खेमे का। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास भी आएंगे फिर बात कर रही हूं। मेरे साथ राजेश भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राजेश, कांग्रेस की ये जो होली बेरंग हुई है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो बची कुची साख है वो भी कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस इतने बड़े राज्य में जब इस तरह की उठापटक होती है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि सीधे तौर पर बाकी जो राज्य हैं उन पर भी इसका असर साफ तौर पर पड़ता है, अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो। देखिए, निश्चित तौर पर ज्योतिका आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की साख है वो दाव पर लगी हुई है। और जैसा मुझे याद आ रहा है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश में सरकार बनी थी एनडीए की, उस सरकार बनने के बाद राजनाथ सिंह की जगह पर
अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और उस बैठक में अमित शाह ने अपने पहले उद्बोधन में अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की उन्होंने परिकल्पना की थी, और उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में हम कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना करते हैं। अमित शाह उसमें बहुत आगे बढ़ते हुए भी दिखाई पड़े, बहुत हद तक एक दर्जन से भी ज़्यादा राज्यों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। हालांकि वो जो विजय अभियान था, जो विजय रथ था, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही आकर रुकता है। इसके बावजूद जो अमित शाह की जो स्ट्रेटजी थी, वो भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनकी रणनीति कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ी, और वो लगातार इस बात पर नज़र बनाए हुए रखे कि कैसे मध्य प्रदेश में या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अंकों से भले ही पिछड़ गई है, लेकिन वोटों के प्रतिशत के लिहाज से अगर हम देखें तो बीजेपी जो है वो कांग्रेस से ज़्यादा पॉइंट फीसदी में अगर हम बात करें तो 0.1 से कुछ ज़्यादा प्रतिशत जो है कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है मध्य प्रदेश में ज़्यादा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह के मन में ये कसक जरूर रही होगी कि उनकी सरकार बनते बनते नहीं बन पाई। हालांकि अब कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के बारे में हम कह सकते हैं कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, और घर का जो चिराग था, घर का जो युवराज था, उसी ने उस घर में आग लगाई, जो कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से लेकर लगातार नाराज बताए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में ये कसर जरूर थी कि कांग्रेस में उनके पिताजी से लेकर कई पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन कांग्रेस ने की पोस्ट पर काबिज होने नहीं दिया। लिहाजा जी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से रुखसत हो गए, बाहर आ गए, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां पर उठाना पड़ रहा है। पड़ोसी राज्य है राजस्थान, जो हिंदी पट्टी का एक महत्वपूर्ण राज्य हम कह सकते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो इसकी ध्वनि प्रतिध्वनि राजस्थान में भी सुनाई पड़ सकती है। अगर कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करती है तो सचिन पायलट भी माधवराव सिंधिया की राह पर चल पड़ सकते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो राजस्थान में अपने किले को सुरक्षित करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पुराने ही घोड़ों पर उन्होंने दाव खेला है, अशोक गहलोत और कमलनाथ पर, जो उनके लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल राजेश, बने रहिएगा हमारे साथ। आदित्य, आपके पास आते हैं, कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक जैसे की खबरें आ रही है वहां पर चल रही है, अगर मैं सही हूँ तो, उस पर क्या जानकारी, क्या कुछ अब जो साख जा रही है उसको बचाने के लिए क्या कुछ कवायद जारी है? देखिए, अब विकल्प ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे, पहली बात तो ये कि सत्ता बचाई जा सके, क्योंकि कांग्रेस के नेता तमाम यही कहते आए हैं, कल रात से भी यही कह रहे हैं, अभी तक यही कह रहे हैं कि सरकार 5 साल चलेगी। अब सरकार 5 साल चलेगी तो कैसे चलेगी, नंबर से सरकार चलती है। अब ऐसे में ये तय, कांग्रेस सारे विकल्पों पर बात कर रही है, विकल्प देखिए कई सारे हो सकते हैं, अगर गेम बिगड़ेगा कांग्रेस का भी तो कांग्रेस दूसरे का भी गेम बिगाड़ सकती है। और ऐसे में ये एक अटकलें ये भी निकल कर सामने आई थी कि हो सकता है कि कांग्रेस के जो तमाम विधायक है, बाकी और जो विधायक है, वो सभी के सभी इस्तीफा दे दें और उसके बाद राज्य की स्थिति किस तरीके की, सिनेरियो किस तरीके का बनेगा, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा मुद्दा ये भी हो सकता है कि कांग्रेस ये भी कोशिश कर रही है कि जितने बच पा रहे हैं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसके पास अभी भी 12 से 15 विधायक, जो 15 से 20 विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं, तो पहले तो उनको संतुष्ट किया जाए, उनको अपने पाले में रखा जाए, कैसे उनको जाने से रोका जाए। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस इस पर भी विचार कर सकती है कि चलिए ठीक है, अगर कुछ बदलाव होता है, कुछ घटनाक्रम बदलते भी हैं, तो मजबूत विपक्ष के लिए भी तो एक संख्या चाहिए। अगर विपक्ष में मान लीजिए कांग्रेस बैठने का अगर ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी बनती है, ऐसी कुछ स्थितियां अगर मध्य प्रदेश में होती है, तो उसमें किस तरीके से विपक्ष में बैठकर चीजें बनाई जा सकती हैं। ये तमाम, ये तीनों जो मैंने चीजें बताई, ये स्टेप बाय स्टेप चीजें हो सकती हैं। और ऐसे में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये ऐसे कई और विकल्प भी हैं, कई और चीजें भी हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि कमलनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में, अगर देखा जाए एक ऐसे नेता है जो लंबा संसदीय ज्ञान भी रखते हैं और लंबा राजनीतिक करियर भी उनका है, ऐसे में वो भी उनको आम हल्के में नहीं ले सकते हैं, और ऐसे में उनकी रणनीति भी, दिग्विजय सिंह भी ऐसे में उनके साथ मौजूद हैं, वो भी एक लंबा अनुभव उनका है, तो वो भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं गुंजाइशें कर रहे हैं कि साख तो बचे ही बचे, और साथ साथ अगर सरकार बचती है तो और ही अच्छा हो सकता है। होली के दिन ये भी कहा जाता है कि होली का रंग लगाइए, गले मिलिए और रूठों को मना लीजिए। अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे रूठ गए हैं, क्या कांग्रेस रंग लगाकर, गले लगाकर इनसे दोस्ती करने की, इन्हें मनाने की कोशिश करेगी?
देखिए अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब देर बहुत हो चुकी है और जो आप कह रहे हैं ना, ये दरअसल दूसरे फॉर्मूले पर लागू इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी एक खबर निकल कर ये आ रही है कि 93 विधायक जो हैं वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पहुंचे हैं। अब आप अगर इन 19 और 22 को अगर हटा देंगे, मतलब दो तीन और यानी कि 22 विधायकों को हटा देंगे तो लगभग ये संख्या वही पहुंचती है। उम्मीद ये भी की जा रही थी कि और कुछ निर्दलीय विधायक भी उसमें शामिल हैं। अब निर्दलीय विधायकों का एक और रंग नजर आ रहा है, आज होली के दिन, रंगों के दिन उनके भी कई रंग नजर आ रहे हैं। कई निर्दलीय विधायक भाजपा के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, कई निर्दलीय विधायक आज कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में भी पहुंचे हैं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, कई विधायक ऐसे जिनका भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी नेताओं से कोई मतभेद था, मनमुटाव था, कोई दिक्कत थी, तो होली के बहाने वो भी लगातार मिल रहे हैं और कोशिश उन्होंने भी यही की कि होली के रंग लगाकर अगर वो मनमुटाव दूर हो जाए और जिस तरीके से अगर परिवर्तन की बयार मध्य प्रदेश में नजर आ रही है तो उसमें वो भी बहती गंगा में हाथ धो ले, तो ये तस्वीरें भी आज दिन भर में देखने को मिली है। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य वाला चीज हो रही है इस वक्त, जो निर्दलीय विधायक सुबह भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी बात करते हुए नजर आ रहे थे, वो विधायक जो शिवराज सिंह चौहान से भी मिल रहे थे, बसपा सपा के विधायक शिवराज सिंह चौहान से सुबह मिले हैं उनके निवास पर आकर, वही उनमें से ही कुछ विधायक इस समय कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद है, तो वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में फिलहाल मौजूद है। वो खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पलड़ा कहां पर भारी ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त जब सत्ता बनी थी तब ये निर्दलीय विधायकों का सपा बसपा के विधायकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, बहुत महत्वपूर्ण रोल था। ऐसे में अब जब नंबर गेम कम हुआ है, नंबर अब जब कम हुए हैं, ऐसे में इनका रोल थोड़ा कम जरूर हुआ है, और जिस तरीके से देखा जाए तो अभी भी वो अपने पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोल रहे हैं। होली के रंगों की तरह उनके चेहरे में जो अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं, अभी वो भी समझना ज्योति का बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश की होली आज बेहद खास रही है, बहुत से रंग निकल कर वहां पर आ रहे हैं और ये रंग आखिरकार क्या रंग दिखाते हैं, मिलकर क्या रंग बनता है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य भोपाल से और राजेश राज आपका दिल्ली से, आपने हमारे साथ पूरी जानकारी है वो यहाँ पर शेयर की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।